लकी की कहानी। एपिसोड 2। लकी सोचता है उसके पास इतनी पावर कहां से आ गई। वो अपने हाथों को देखता है, तभी उसकी नजर अपने हाथ पर बने हुई सिंबल पर पड़ती है। जब लकी उस सिंबल को ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि उस सिंबल पर एक गोल चक्र बना हुआ है, जिसके अंदर दो त्रिभुज एक दूसरे की तरफ घूम हुए हैं और गोल चक्र से बाहर निकल रहे हैं। उस सिंबल के एकदम अंदर एक मोती छपा हुआ है जो सबसे अलग लग रहा है, और गोल चक्र के अंदर ही कुछ छोटी छोटी आकृतियां भी बनी हुई हैं जो लकी को समझ में नहीं आती। लकी सोचता है कि अब इस सिंबल के बारे में कैसे पता करूं। काफी देर सोचने के बाद लकी सचिन से पूछने का फैसला करता है। कुछ देर बाद लकी कॉलेज के लिए चला जाता है। वहां जाने पर लकी सचिन को बताता है कि उसके हाथ पर एक सिंबल बन गया है। सचिन उस सिंबल को देखा है और कहता है, अरे कितना मस्त बना है, कहां से बनवाया, मुझे भी ऐसा ही बनवाना है, कितना मस्त लग रहा है और ये थोड़ा थोड़ा चमक भी रहा है, कोई शाइनिंग कलर से किया है क्या? लकी कहता है, मैंने नहीं बनवाया, ये अपने आप बन गया। सचिन कहता है, छोड़ना, एक सिंबल ही तो है, इसमें बड़ी बात क्या है, आज तेरा बर्थडे है, चल पार्टी करते हैं। फिर लकी और सचिन कैंटीन की तरफ चले जाते हैं। जैसे ही वो कैंटीन की तरफ जाने लगते हैं तो उनको रास्ते में रॉकी मिल जाता है। रॉकी कहता है, अरे ओ लकी, जा पहले मेरे लिए आर्डर लेकर आ। लेकिन लकी अपनी जगह से नहीं हिलता, वो रॉकी को देखता रहता है। रॉकी फिर से कहता है, सुनाई नहीं दिया क्या, जा मेरे लिए आर्डर लेकर आ। लेकिन अब भी लकी अपनी जगह से नहीं हिलता। कॉलेज के काफी लड़के और लड़कियां रॉकी को देखने लगते। इतने में सचिन कहता है, मैं ला देता हूं भाई। रॉकी कहता है, अब तो यही लेकर आएगा। फिर रॉकी लकी से कहता है, मैं आखिरी बार बोल रहा हूं, चुपचाप जाकर ले आ, वरना तेरे लिए ठीक नहीं होगा। जब लकी कुछ नहीं करता तो रॉकी को गुस्सा आने लगता है और गुस्से में वो जाकर लकी की कॉलर पकड़ लेता है। जैसे ही रॉकी लकी के गले पर हाथ डालता है, उसका सिंबल चमकने लगता है और लकी का हाथ उठ जाता है और सीधा रॉकी के सीने पर लगता है, जिसे रॉकी चार कदम पीछे जाकर गिर जाता है। ये देखकर सभी रॉकी पर हंसने लगते हैं। लकी भी हैरानी से अपने हाथ को देखा है कि उसने ऐसा कैसे कर दिया, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आता। उधर रॉकी नीचे पड़ा गुस्से में जमीन पर मुक्का मारता है और खड़ा होकर लकी की तरफ जाता है। जैसे ही रॉकी लकी को मुक्का मारने वाला होता है तो लकी देखा है कि उसको उसका हाथ धीरे से आता हुआ नजर आ रहा है। लकी को ऐसा लगता है कि उसके लिए समय धीरे हो गए हैं, और फिर लकी उसका हाथ पकड़ता है और अपना मुक्का उसकी छाती पर मार देता है, जिससे रॉकी अपनी ही बाइक पर जाकर गिर जाता है। रॉकी अपने दोस्तों को कहता है कि उसको मारो, लेकिन रॉकी के किसी भी दोस्त की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो लकी पर हाथ उठाएं। लेकिन जैसे ही एक आगे जाता है तो लकी उसको भी एक मुक्का मारता है और वो नीचे गिर जाता है। ये देखकर उसके बाकी दोस्त वहां से चले जाते हैं और रॉकी भी खड़ा होकर कहता है कि वो उसको बाद में देख लेगा। फिर रॉकी भी वहां से गुस्से में चला जाता है। गुरु, चलो आज तुम्हारे बर्थडे की पार्टी में देता हूं। सचिन लकी के गले लगाता है और कहता है, तुम तो छा गए गुरु, एक ही दिन में कॉलेज के हीरो बन गए तू, तुमने सीनियर को मुंह तोड़ जवाब दिया है, मजा आ गया। फिर दोनों कैंटीन की तरफ चले जाते हैं और देखते ही देखते पूरे कॉलेज में ये बात फैल जाती है कि लकी ने रॉकी को मारा और रॉकी वहां से डर कर भाग गया। कॉलेज की लड़कियां भी और लकी के बारे में बात करने लगती है। एक लड़की कहती है, तुमको लगा था क्या लकी रॉकी को मारेगा? दूसरी लड़की कहती है, वो तो हीरो बन गया, मैं तो उसको अब अपना बॉयफ्रेंड बनाऊंगी। इस पर बाकी लड़कियां हंसने लगती हैं। उधर लड़के भी लकी के बारे में ही बात करते हैं। एक लड़का कहता है, अच्छा किया उसने कि रॉकी को मारा, वो अपने सीनियर होने पर कुछ ज्यादा ही घमंड कर रहा था, संबक की रैगिंग करता था, अच्छा सबक मिला उसको। दूसरा लड़का कहता है, लेकिन अब रॉकी उससे बदला जरूर लगा, उसने उसकी इज्जत खत्म कर दी, अब कॉलेज में रॉकी की कोई इज्जत नहीं करेगा, रॉकी गुस्से में लकी से बदला लेने जरूर जाएगा। फिर एक और लड़का कहता है, उनकी लड़ाई देखनी है, मजा तो आएगा, मैं तो चाहता हूं कि लकी रॉकी को और मारे। क्या करेगा रॉकी, लकी को और कैसी शक्ति मिल रही है लकी को, क्या लकी इन सबका राज जान पाएगा? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। आप सुन रहे हैं लकी की कहानी, लकी द सुपर हीरो, ओनली ऑन राकेश स्टोरी चैनल पर।